रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में बृहस्पतिवार को कोतवाली सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते का 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स के प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस दौरान महिला थाना और यातायात कार्यालय से आए प्रशिक्षकों ने शेरनी दस्ते में शामिल महिला सिपाहियों को महिलाओं के साथ हो रहे अपराध, छेड़खानी, दहेज उत्पीड़न और स्मार्ट पुलिसिंग सहित यातायात के नियमों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान शेरनी दस्ता ट्रेनिंग कमांडर संतोष यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, तो उसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 उसकी जांच करवाई जाती है कि मान लीजिए दो लड़की हो गई तो ताना मारना तो घर वाले वैसे शुरू कर देते हैं, तो तीसरे फेज में मान लीजिए प्रेग्नेंट है उसके घर वाले क्या करते हैं उसकी जांच करवा देते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, उसके परिजनों द्वारा ऐसा किया जाता है, ऐसे मामले आए हैं। तो उसके लिए आईपीसी की धारा 313 है। कौन सी धारा है? 313 अवैध गर्भपात कराना। मान लीजिए कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई लड़की खड़ी है और कोई लड़का उसको लगातार घूर रहा है, कितने सेकंड तक? 354 छेड़खानी की धारा लगे, छेड़खानी की दशा में ही आएगा तो माना जाएगा वो छेड़खानी कर रहा है। बैठ जाओ, क्या करता है किसी लड़की का बात मार दो जो पीछा करता कोई लड़का, तो आईपीसी की धारा 354 डी लागू होगा। क्या लागू होगा? मजा रहा है तो कौन सी धारा लागू होगा? आईपीसी की धारा कन्फर्म बोलेंगे नहीं, धाराओं का कौन सा है? तो मैं मानता हूं कि दस्ते वगैरह है सम्मिलित है, पास फल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं अपराध देखती है तो आप उसको रोक सकती हैं, टोक सकती हैं और महिला अपराध नियंत्रण में अपना महत्वपूर्ण योगदान आप दे सकते हैं। या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर गलतियां हो जाती हैं तो वो गलती ना हो, सार्वजनिक स्थान पर गलती ना हो, क्योंकि पुलिस में उंगली उठती है तो पूरा विभाग उससे प्रभावित होता है कि एक कोई छोटी बड़ी गलती करता चाहे हमारा सिपाही हो चाहे सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रहें कि कोई भी किसी से कोई छोटी गलती हो जाती है वो मीडिया का केंद्र बन जाता है और पूरी पुलिस उससे जो है प्रभावित होती है, सब उंगली उठाते हैं पुलिस ऐसी है वैसी है, तो ये चीजें आप बचे रहेंगे। असम की राजधानी गुवाहाटी है मालूम है आपको, तो आपके ऑल इंडिया पुलिस का एक सम्मेलन आयोजित हुआ उसमें मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग का जो मंत्र दिया है वो तब से केंद्र बिंदु बन गया है, चर्चा का विषय बन गया है। तो आपको मैं बता दूं स्मार्ट क्या चीज है, स्मार्ट शब्द का उन्होंने किस तरीके से व्याख्या किया। स्मार्ट यस हो गया, यस से हो गया सेंसिटिव, क्या हो गया सेंसिटिव आप होइए। अगर आप सेंसिटिव हैं किसी भी मुद्दे को लेकर तो मैं मानता हूं कि आपकी पुलिसिंग जो है सफल है, हमारी पुलिसिंग सफल है। कोई भी घटना हो जाती है तत्काल उस पर कार्रवाई करिए, विसंगत कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, तो आप किसी भी घटना के प्रति सेंसिटिव होकर तत्काल कार्रवाई होगी। उसके बाद होता है यम, यम से होता है मॉडर्न, क्या होता है मॉडर्न, मॉडर्न से मतलब होता आधुनिक, तो आप मॉडर्न जो नई पुलिसिंग तकनीक है जैसे होना चाहिए किस तरीके से हमसे बात करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई भी है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे छोटा हो बड़ा हो उससे आप तुम करके मत बात करिए, आप करिए कि आपने क्या किया, वो गलती भी अगर छोटा गलती भी कर रहा आप कहिए आपने ये गलती किया, उसके आप गलती को एहसास दिलवाइए छोटी गलती किया, आप कहिए आपने ये गलती किया है, ये इस धारा के अंतर्गत आता है, आप इस धारा का अपराध आपने किया है। तो जब आप उसको धाराओं का उस घटना को आप सही ढंग से एहसास दिलवा देंगे तो अपने आप तुरंत माफी मांगेगा, नहीं सर आपसे गलती हो गई, आप उसको गाली देने लगेंगे उसको मारने लगेंगे तो तुरंत वो भी बैठ कर सकता है, कोई सार्वजनिक स्थान पे हंगामा शुरू हो जाएगा, दूसरी बात विभाग पे भी आ जाएगी
कि लोगों द्वारा ये कहा जाएगा देखिए पुलिस द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन मामला असल क्या होता है कि नियम कानून का जब याद दिलाया जाता है तो उग्र हो जाते हैं, और जब सही ढंग से आप उन नियम कानून तो तोड़ने को याद दिलवाएंगे कि आपने ये गलती किया है, इस धारा का गलती किया है, तो वो जब सही ढंग से आप वार्ता करेंगे, अच्छे से वार्ता करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि वो सही ढंग से अपनी गलती सुलझा पाए। गलती तो सरकार एहसास दिलवा दीजिए, छोटी मोटी गलतियाँ हैं वो बाद में जाके अपने गाँव भर में कहेगा कि आज वैसे फंस गए थे और साहब ने हमको माफ़ भी कर दिया, मेरी छोटी सी गलती थी, उन्हें एहसास भी दिलाया, माफ कर दिया, बहुत अच्छा लगा हमको, पुलिस बहुत अच्छी होती है, या फला पुलिस वहाँ गोरखपुर की पुलिस बहुत अच्छी है, वहाँ गया हमारे साथ ऐसा घटना हुआ, क्योंकि ये चर्चा करते हैं। और मानिए अगर हमारे परिवार आपके परिवार का कोई भी सदस्य कोई बात होती है वो थाने में जाता है, चौकी पे जाता है और उसके साथ हम ऐसे व्यवहार करते हैं तो घर पर जाएगा तो कहेगा कि हमारे लड़के इस पत्ते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, वो भी ऐसे करते होंगे, है कि नहीं? और आप सुनेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा कि हमारे पिताजी हमारे भाई हमारे थाने में गए थे, थाने की सुनवाई नहीं हुई, ऐसा सब प्रयोग किए, तो आपको बहुत विचलित होना पड़ेगा, बहुत कष्ट होगा, होगा नहीं होगा। और अगर परिजन आपके परिजन हमारे परिजन कोई थाने पर जाते हैं, चौकी पर जाते हैं, अगर चौकी पर कोई एक चाय पूछ लिया तो समझ लीजिए और उनकी बात कोई सुन लिया गया तो आपका 50% आप कार्रवाई कर दिए समझिए, और उनके कथनानुसार आप घटनास्थल में चले जाइए तो 75% आपने समझिए कि पुलिसिंग कर लिया, वो उस पर संतुष्ट हो जाएंगे, पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे, उन्होंने बात सुनी और तत्काल घटना पर पहुंच के उन्हें जो भी कार्रवाई की तो आपने कह दिया नहीं ठीक है आप चलिए मैं आऊँगा बताऊँगा मैं देख लूँगा इसको, फिर उसके बाद मातम को लगा दिए आप जाके देख लेना, तो उससे पुलिस की छवि भी खराब होती है, जनता के बीच में गलत मैसेज भी जाता है और लोग उंगली भी बिठाते हैं, तो इन सबसे बचने के लिए हमको मॉडर्न पुलिस का जो रूप है उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, अगला आता है आर, आर से होता है रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, किसी के प्रति जो है जिम्मेदार होना चाहिए, क्या होना चाहिए जिम्मेदार, जैसे आपका आर अधिकारी उच्चाधिकारी जो भी आदेश निर्देश निर्गत करते हैं कहते हैं कि आपकी ड्यूटी यहाँ चौराहे पे आप बने रहिए तो आप रहिए वहाँ पे, आप वहाँ हट जाएंगे तो कोई घटना घटित हो जाती है तो बात भी यही होता है कि वहाँ पुलिस लग हाँ ड्यूटी लगी थी वो घटना पे नहीं थे, इस तरीके की घटना हो गई, अगर वहाँ पर होते तो ये घटना ना होती, है कि नहीं? किसी चौराहे पर अगर पुलिस खड़ी हुई है तो मुझे लगता है कि सामने तो कोई घटना नहीं घटित हो सकती है, कहीं कभी कभार हो गया तो बात अलग है, नहीं तो 99% मान के चलिए कि कोई घटना वहाँ घटित नहीं होगी, जहाँ पुलिस खड़ी है आसपास के क्षेत्र में पुलिस नहीं है तो अपराधी का भी मनोबल बढ़ता है कि नहीं पुलिस नहीं है हम चलेंगे घटना कर लेंगे वहाँ से हट लेंगे कोई हमको पकड़ नहीं पाएगा हम निकल जाएंगे, जब उसके दिमाग में रहेगा कि नहीं पुलिस यहाँ है इस चौराहे पर है उस चौराहे पर है वहाँ हम जाएंगे आगे कोई पुलिस पकड़ लेगी इधर खड़ी है तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, वो घटना करने से पहले वो साथ बैठ जाएगा, नहीं सोचेगा कि हम घटना करेंगे, तो आप रिस्पॉन्सिबल रहिए अपने विभाग के प्रति अपने उच्चाधिकारी के प्रति, ये मूल मंत्र है स्मार्ट पुलिसिंग का। ठीक है, फिर अगला है ए, ए से होता है अलर्ट, ए से होता है अलर्ट, जब भी ड्यूटी पीरियड में कहीं भी रहिए जो आपको जिम्मेदारी दी गई तो वहाँ अलर्ट रहिए, जैसे आप चौराहे पे आपकी ड्यूटी लग गई और आपके पास मोबाइल है मोबाइल से आप बात करना शुरू कर दिए तो आपका ध्यान जिससे बात कर रहे हैं उसमें चला गया, बगल कोई महिला जा रही है तो टप्पे पास गाड़ी से आते हैं बाइक से आएंगे, महिला को देखते हैं चैन मोटा सा महिला पहने कोई तो तुरंत खींच के और निकल गए, अब आप मोबाइल से बात कर रहे हैं जब तक इधर देखेंगे क्या हुआ तक इधर नहीं हो गया नहीं हो गया, तो आप अपने ड्यूटी स्थल पर ड्यूटी पीरियड में आप अलर्ट रहिए, कोई घटना करना चाहेगा बहुत अलर्ट है देखिए चारों तरफ निगाह हो रहा है, अगर जरा भी हम कुछ किए तो तुरंत हमको दौड़ के पकड़ लेंगे। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा
प्रत्येक सर्किल में की जो महिलाएं हैं उनको 3 दिवस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस संबंध में कैंट सर्किल की महिला दस्ता जो उसको ट्रेनिंग कर चुकी है, वर्तमान में कोतवाली सर्किल का महिला दस्ता ट्रेनिंग कर रहा है। ये श्रेणी दस्ता के नाम से इसका नाम दिया गया है। ये लोग, इनको एक गाड़ियाँ भी उपलब्ध कराई गई, जो हीरो गाड़ियाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया था, जिस फ्लीट का, उसमें से इनको गाड़ियाँ दी जाएंगी। साथ ही इनको 3 दिन की ट्रेनिंग में इनको सामान्य नियम कानूनों की जानकारी, इनके कार्य करने का तरीका, इसके अलावा कुछ सेल्फ डिफेंस की चीज़ें सिखाई जा रही हैं। विभिन्न क्लासेस लग रहे हैं, जो भी उस मतलब उस क्लासों को पढ़ाने के लिए जो भी अनुभवी योग्य लोग हैं वो आ रहे हैं, ताकि कैसे इनको काम करना है, फील्ड में क्या करना है, उनको उचित दिशा निर्देश पहले से पता हो। सर, इसको लेके लगता है कि स्मार्ट पुलिसिंग को लेके ये मुहिम कुछ ज़्यादा चलाई है? बिल्कुल, ये स्मार्ट पुलिसिंग देखकर है और महिला दस्तों को खास कर ट्रेंड किया जा रहा है, क्योंकि जितने महिला संबंधी विवाद आते हैं वहाँ महिलाओं को पहुँचना जरूरी होता है, तो महिला वहाँ ना सिर्फ अपनी फिजिकल प्रेजेंस रखें बल्कि वहाँ पर नियम कानून की जानकारी भी रखें, ताकि पहुँचने के बाद क्या नियम कानून वहाँ पर अप्लाई होते, लागू होते, वो उनको पहले से पता हो, इसी कारण इनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है।